हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनप्रीत सिंह और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आपसे मैं बात करूंगा रेडमी नोट 8 प्रो की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो मे बी आपको पता हो या मे बी शायद ना ही पता हो। तो बिना और भी देरी करे अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट टिप इस फोन की। ये आता है इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ, जो कि एक नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है। मोस्टली क्या होता है, जो भी हमारे एंड्रॉयड पे स्क्रीन रिकॉर्डर अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पे, उस पर आप सिस्टम की साउंड्स नहीं रिकॉर्ड कर पाते। जैसे कि जब पबजी खेल रहे होते हैं तो इन गेम साउंड्स और वोकल्स आप नहीं रिकॉर्ड कर पाते, जो भी आप बोलते हो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। बट मी के स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप इन गेम साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने की थी गेमिंग रिव्यू, अगर आप देखना चाहें तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा। और इसमें ही काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप रेजोल्यूशन भी चेक कर सकते हो, अप टू 4K रेजोल्यूशन तक रिकॉर्ड हो सकती है वीडियो क्वालिटी 4 Mbps की स्पीड से होगी। और आप यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी है, आप साउंड सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको माइक से साउंड चाहिए या सिस्टम की साउंड चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और आप टच जेस्चर को भी शो कर सकते हैं अगर आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स टाइप की वीडियो बना रहे हैं किसी गेम की, तो उसके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। और सेकंड जो फीचर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है यहाँ पे डायलर में। तो उसके लिए आपको जाना है डायलर के अंदर और इस हैमबर्गर मेन्यू को दबाना है, और इसमें आपके पास आ जाएंगी कुछ कॉल सेटिंग्स, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको अगर आप नॉर्मल एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर यूज़ करना चाहो तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी। जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग एक ऐसा फीचर है जो इसके अंदर इनबिल्ट आता है, तो उसके लिए अगर आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड्स करनी है जैसे कि मैंने की हुई है, तो आप यहाँ से उसको एनेबल कर सकते हैं और ऑल नंबर्स या सिलेक्टेड नंबर्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद पीछे आ जाए तो यहाँ पे इनकमिंग कॉल सेटिंग्स में यहाँ पे ऑप्शन है फ्लिप टू साइलेंस रिंगर, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत पसंद है। अगर कभी भी फ़ोन बज रहा होता है और मैं कहीं मीटिंग वगैरह में बैठा होता हूँ तो मैं फ़ोन को आराम से साइलेंस कर पाता हूँ बिना बटन दबाए। और उसके बाद एक और फीचर क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा फीचर है। ये सारे मोस्टली तब काम आते हैं जब हम किसी क्राउडेड प्लेस या फिर किसी मीटिंग में बैठे हों। और फ्लैश वाइल रिंगिंग भी उसी बेस पे ही काम करता है, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा फीचर लगता है मुझे। और थर्ड टिप जो है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो है सिस्टम वाइड डार्क मोड। जैसा कि आप अब यहाँ देख सकते हैं, उसके लिए आपको करना ये है कि आपको सेटिंग्स में जाना है, डिस्प्ले में जाना है, और यहाँ सामने आपको दिख जाएगा डार्क मोड का ऑप्शन, जिसको कि आप ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद पूरा ही सिस्टम यूआई आपका ब्लैक हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डायलर मेरा ब्लैक है, मैसेजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे ब्लैक हो रखा है, सेटिंग्स भी मेरी पूरी ऐसी हैं। प्ले स्टोर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो इस टोन में आ चुका है। और ये ओवरऑल जितनी भी सिस्टम यूआई की चीज़ें हैं और कुछ ऐप्स भी ऐसी हैं, इंस्टाग्राम भी हमारा डार्क मोड में आ चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमें इसी बात पे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, नीचे भी यहाँ लिंक फ्लैश हो रहा होगा। और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको मैं मोस्टली एनेबल ही रखता हूँ। तो नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा इन रीसेंट ऐप्स में, आप जैसे देख सकते हैं कि ऊपर चार पांच ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इन सबको हटाने का और उसके बाद इसके यहाँ पर रैम इन्फॉर्मेशन लाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस होम स्क्रीन पर आप होल्ड करके रखेंगे, यहाँ सेटिंग्स को आपने दबाना है और सीधा मोर पर जाना है। और मोर पर यहाँ नीचे आप देख सकते हैं रीसेंट्स में शो मेमोरी स्टेटस और शो सजेशंस को बंद कर देना है। और आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, ब्लर ऐप रिव्यूज़, जैसे कि अभी आपने देखा इंस्टाग्राम यहाँ खुला हुआ था, तो मैं इंस्टाग्राम पे जाके इसको अगर मैं ऑन कर दूँ तो आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे जो प्रीव्यू है वो ब्लर हो चुका है। और ये सेटिंग्स तब काम आएंगी जब आप चाहते हैं कि कोई आपके सीक्रेट मैसेजेस एटलीस्ट यहीं से ना पढ़ ले। सो आई थिंक ये वाला ऑप्शन काफ़ी लोगों के लिए बेटर होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रैम प्रीव्यू भी आ गया, 3.4 GB इज़ अवेलेबल ऑफ 6 GB टोटल। और जो ऊपर सजेशन आ रहे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, तो हमारे पास थोड़ी जगह ज़्यादा हो गई है। और नेक्स्ट अब मैं बात करूँ तो ये है काफ़ी एक अच्छा ही फीचर है जो हमें 15,000 के सेगमेंट में मिलता है। थोड़ा बहुत आईफोन को मिमिक करता है, बट इसमें थोड़ी बहुत नई चीज़ें भी हैं, थोड़ी बहुत मतलब इन्होंने सैमसंग के फीचर्स और आईफोन के फीचर्स दोनों को मिला के एक फीचर बनाया है जो कि हमें पोर्ट्रेट मोड में यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे ही हम पोर्ट्रेट में जाते हैं। तो ये ऑप्शंस जो हैं एक्चुअली क्या करते हैं, ये वही स्टूडियो लाइटिंग और नेचुरल लाइटिंग, और जैसा कि आपने आईफोन्स में देखा होगा ये वही चीज़ है, बस इसको नीचे लेके आ गया है शाओमी। और इस फीचर को आप फोटो खींचने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने दोस्त की यहाँ पे फोटो खींची हुई है, तो अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पे मैं उसके बाद ब्लर लेवल को कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लर ज़्यादा हो गया है
और यहाँ पे ब्लर एकदम कम हो गया है अगर हम देखें तो। यहाँ पे इसके बाद मैं और भी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ लाइट ट्रेल्स है ऑप्शन, और अगर मैं इसको दबाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ एनिमेट हो रहा है और पीछे का एरिया चेंज हो रहा है। और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं अलग अलग टाइप की लाइट ट्रेल्स बनाने के लिए, और भी बहुत कुछ, जैसे कि जितने भी लाइट सोर्सेज हैं वो सर्कल में आ जाएंगे, जितने भी लाइट सोर्सेज पीछे होंगे वो हार्ट की शेप में आ जाएंगे या फिर ऐसे स्टार टाइप की शेप में आ जाएंगे। और आप स्टूडियो लाइटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, खैर स्टूडियो लाइटिंग यूज़ करने के बाद तो थोड़ा सिस्टम ख़राब ही हो गया था यहाँ मेरी दोस्त की फ़ोटो का, जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ दिखाता हूँ, तो इसने तो अभी फ़ोटो ख़राब ही कर दी। इसके लिए आपको काफ़ी ध्यान से फ़ोटो खींचनी पड़ेगी और ये ध्यान में रख के ही फ़ोटो खींचनी पड़ेगी कि आपने यही काम करना है एडिटिंग में। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि इसने, ये ऐसा लग रहा है कि बंदा दीवार के अंदर से बाहर आ रहा हो। तो सारे फीचर्स इतने काम के नहीं हैं, बट अगर ढंग से यूज़ किए जाएँ तो काफ़ी हद तक अच्छे हैं, और इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और अगले फीचर की अब अगर मैं बात करूँ तो ये कोई ऐसी कोई टिप नहीं है, ये जस्ट एक ट्रिक है अपने दोस्तों से थोड़े से मज़े लेने के लिए। अगर किसी के पास रेडमी नोटेड प्रो है तो आप उससे थोड़े से मज़े ले सकते हैं। पहले इस ऑप्शन को इनेबल करने के काफ़ी सारे स्टेप्स होते थे, बट अब यहाँ पे ये बहुत ही वन क्लिक सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको करना सिर्फ ये है, सेटिंग्स में जाना है, और अगर डेवलपर ऑप्शंस ऑन है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे माई डिवाइस पे जाके आपको डेवलपर ऑप्शंस को एनेबल करना पड़ेगा, जैसे कि मेरा अभी अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस में जाता हूँ। और डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स पे जाना है और यहाँ पर विंडोज़ एनिमेशन स्केल वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, और उसके बाद आपको जस्ट नीचे करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप इसको दबाएंगे तो एनिमेशंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएंगी, मैक्स वैल्यू पर चली जाएंगी सारी एनिमेशंस, और फ़ोन एकदम स्लो हो जाएगा यूज़ करने के लिए, और वो बंदा परेशान ही हो जाएगा कि ये मेरे फ़ोन को क्या हो गया है। अगर तो उस बंदे को पता होगा कि करना क्या है तो वो मे बी लंबे वाले प्रोसेस को यूज़ करेगा, सारी विंडोज़ एनिमेशन स्केल्स को नीचे करेगा, बट आपको पता है आपको जस्ट इस एक बटन को दबाना है और ये फिक्स हो जाएगा। तो ये जस्ट एक छोटी सी ट्रिक थी किसी से पंगे लेने के लिए अगर आप चाहते हैं तो, और इसको आप यहाँ से जाके वापस ऑफ कर सकते हैं। और नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूँ तो ये उनके लिए है जो अपने फ़ोन्स को रूट करना पसंद करते हैं या रूटेड ऐप्स को यूज़ करना पसंद करते हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि MIUI में रूट करना या रूटेड ऐप्स को यूज़ करना कितना ही मुश्किल है, कितने ही पॉपअप्स का हमें आंसर देना पड़ता है और 10-10 सेकंड के टाइम इंटरवल पर रुक रुक के क्लिक करना पड़ता है। तो जिन्होंने किया है उनको ये दर्द पता है, तो उसको ऑफ़ करने का यहाँ पे एक तरीका है। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ सेटिंग्स में जाना है, एडिशनल सेटिंग्स में डेवलपर ऑप्शन में जाके सबसे नीचे यहाँ पे होगा नोटिफाई अबाउट हाई रिस्क फीचर्स, इस टॉगल को ऑफ कर देना है और वो सारी नोटिफिकेशन जो 10-10 सेकंड के इंटरवल पे आती हैं वो सारी आनी बंद हो जाएंगी। और नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा यार साइड पे शॉर्टकट मेन्यू। सो मैं ये बताना चाहता था कि इस पेज को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो एज़ पर योर लाइकिंग्स। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, बस यहाँ सेटिंग्स को दबाना है और जो जो आपको चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको स्टेप काउंट या कॉल अ कैब और एनी सर्विसेज दैट यू वॉन्ट यू कैन कीप और डिलीट इट। जैसे कि मैं यहाँ कुछ नहीं यूज़ करता तो मैं इन सबको हटा देता हूँ और उसको मैं बाद में ऐड भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर वो चली जाए तो आप उसको दोबारा ऐड नहीं कर सकते। तो जैसे कि अब यहाँ आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्लीन इंटरफेस हो गया है और इसमें काफ़ी सारे यूज़फुल फीचर्स भी हैं जो मुझे लगते हैं, लाइक वन क्लिक पे आप कोई भी स्टोरी या पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और भी काफ़ी सारे यहाँ ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास यहाँ फ़ोन है रेडमी नोटेड प्रो तो आप आराम से देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इन फीचर्स को। और नेक्स्ट फीचर में अगर बात करूँ तो वो हमें मिलता है यहाँ नोटिफिकेशन पैनल पे, अगर मैं यहाँ राइट स्वाइप करूँ तो यहाँ ग्रे स्केल का एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसको दबाने पे पूरा ही फ़ोन ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, बट ये एक्चुअली फीचर नहीं है। इसके पूरे इफेक्ट को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा विंड डाउन। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम इनेबल करेंगे तो ये आपको एक गाइड दिखाएगा जिसमें ये बताएगा कि ये ऑप्शन क्या है और क्यों है। तो एक डिजिटल वेलबींग जो गूगल की तरफ से इनिशिएटिव था उसके अंडर ये ऑप्शन आता है। तो अगर आप इसमें यहाँ टाइम सेट कर देंगे सारे डेज के हिसाब से और कौन कौन से डे आपको यूज़ करना है इस फीचर को, तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पे वो टाइम आएगा, मान लो 11 बजे जैसे इस पे यहाँ सेट है, तो 11 बजते ही मेरा फ़ोन पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, जिससे कि मुझे ये पता चल जाएगा कि अब मेरा सोने का टाइम हो गया है, और उसके साथ ही यहाँ पे फ़ोन मेरा डू नॉट डिस्टर्ब पे चला जाएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रे हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ी देर आप यूज़ करने के बाद ये आपको सोने में भी हेल्प करता है क्योंकि ब्लू लाइट एमिशन बहुत ही कम हो जाती है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है। और उसके बाद जब आप इसके एंड टाइम पे इसको रखेंगे और ये अपने आप बंद भी हो जाएगा,
आपके एक स्पेसिफाइड टाइम पे, या फिर अगर आप कोई अलार्म लगाते हैं तो जैसे ही वो अलार्म बजेगा आपका फ़ोन पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा और सारी नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा फीचर लगता है जो कि आज के टाइम पे हमें यूज़ करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो वो है एड्स को MIUI के अंदर से कैसे डिसेबल करना है। ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि MIUI में एड्स हैं ही क्यों, बट स्टिल अगर हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो MIUI को ही देखना है, Xiaomi को देखना है कि कैसे इसको टैकल करना है। बट हाँ, उन्होंने हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं कि हम उन एड्स को डिसेबल कर सकते हैं, पर वो थोड़े लेंदी ऑप्शंस हैं। जैसे कि जितनी भी MIUI की एप्स हैं उन सब में एड्स आती हैं, तो जैसे कि अभी मैं आपको थीम्स खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर भी एड्स आ जाएंगी। अभी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये प्ले क्विज की एड आ गई है। तो इसको डिसेबल करने के लिए या किसी भी ऐप में एड्स को डिसेबल करने के लिए आपको जस्ट सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे रिकमेंडेशंस के ऑप्शन को ऑफ कर देना है। और आप उसके बाद देख सकते हैं, मैं दोबारा इसको खोलता हूँ तो एड्स नहीं आएंगी। और ये जैसे डार्क यूज़ जो लग रहा है एड है, पर वो एड नहीं है, वो थीम है। तो नेक्स्ट अगर हम एक टिप की बात करें तो ये थोड़े एडवांस यूजर्स के लिए है जिनको कुछ ज़्यादा ही अपने फ़ोन में उंगली करना पसंद है। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे आपको माई डिवाइस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ऑल स्पेक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपका कर्नल वर्जन जो है उस पर बार बार क्लिक करना है। तो आप यहाँ एक CIT मेन्यू में पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप अपने जो भी आपका हार्डवेयर आपके फ़ोन के अंदर अवेलेबल है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आप देखूँ तो ये नोटिफिकेशन LED है, तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं यहाँ दबाऊंगा तो ये मिनिमम ब्राइटनेस पे चला जाएगा और इस बटन को दबाऊंगा तो ये मैक्सिमम ब्राइटनेस पे चला जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो अगर मैं वाइट दबाता हूँ तो यहाँ नोटिफिकेशन LED भी ब्लिंक करेगी चेक करने के लिए कि हाँ ये चल रही है या नहीं चल रही। तो आप यहाँ खुद थोड़ी बहुत उंगली करके देख सकते हैं, अगर आपका कभी भी फ़ोन आपको लगे कि कुछ चीज़ नहीं चल रही तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में वो नहीं चल रही है या कोई दूसरा फॉल्ट है। अब ये ट्रिक फिर से एक ऐसी ट्रिक है जो थोड़ा एडवांस यूजर्स के लिए है, उसके लिए भी आपको माई डिवाइस पे जाना है और उसके बाद ऑल स्पेक्स में जाके इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शंस को बार बार दबाना है और यहाँ पे आपके फ़ोन इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएंगी। जैसे कि वाईफाई इन्फॉर्मेशन, वाईफाई स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कहाँ से कनेक्टेड है। अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आ जाएगी। और फ़ोन इन्फॉर्मेशन अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन एक्चुअली में LTE से कनेक्टेड है या कोई भी नेटवर्क से आप यहाँ पे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और पिंग टेस्ट भी आप कर सकते हैं कि कितनी पिंग आ रही है कौन से नेटवर्क पे। और अगर फाइनल ट्रिक की अब मैं बात करूँ तो उसके लिए मैं आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे और माई डिवाइस में जाके सिस्टम अपडेट्स पे। तो ये MIUI 10 या MIUI 11 जो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होगा उस पर जब आप रिपीटेडली टैप करेंगे तो नए सेट ऑफ ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ 3 डॉट मेन्यू में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आपको मे भी लग रहा होगा कि ये सारे वैसे ही ऑप्शन होते हैं। और इन ऑप्शन को कन्फर्म करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मेरे पास Redmi Note 8 पड़ा है अभी, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑप्शंस आपके पास नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। तो जब आप यहाँ ऑप्शन ये इस आइकन को बार बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नए ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, एडिशनल अपडेट फीचर्स आर ऑन। तो उसके बाद जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी Redmi Note 8 Pro की 13 टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको बताना चाहता था। तो बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और हमें इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्टे कूल, हैव फन। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।